गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ। यहाँ पर आपको राकेश यादव व आरएस अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देनी, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड रिजल्ट 2020 को लेकर सोशल मीडिया पर समय समय पर बहुत ही ज्यादा फेक अपडेट वायरल हो रही है। वहीं दूसरी तरफ यह भी खबर वायरल हो रही है कि 19 जून को रिजल्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड 10th रिजल्ट की एक कंफर्म डेट बता दूंगा। एमपी बोर्ड 10th रिजल्ट 2020, पहले दरअसल दोस्तों मैं आपको यह भी जानकारी बता देता हूं कि एमपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में यह खबर वायरल थी कि आपका रिजल्ट है वो 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक आ जाएगा, लेकिन 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक नहीं आ जाएगा। इसके बारे में बोर्ड अध्यक्ष का बयान आया है कि कुछ शरारती बच्चे इस मामले में मजाक में ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपका रिजल्ट है वो आज नहीं आ सकता, मतलब कि 17, 18, 19 को नहीं आ सकता। मैं दोस्तों आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट है वो 20 जून के बाद ही आएगा, कुछ भी हो 20 जून के बाद ही आएगा, उससे पहले आपका रिजल्ट है वो नहीं आएगा। अगर मैं रिजल्ट के टाइमिंग की बात करूँ तो 20 जून को करीब 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में टाइम टेबल आ जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यदि कोई भी रिजल्ट से रिगार्डिंग अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको पहुँचा देता। देखिए दोस्तों आपको जो फेक अपडेट होती है उन सबसे दूर रहना, क्योंकि ये टाइम है वो रिजल्ट का चल रहा है, कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं। और आप लोग किसी भी प्रकार की टेंशन ना ले, सिर्फ आप आपकी अन्य फैकल्टी की स्टडी स्टार्ट कर ले, एमपी बोर्ड से रिलेटेड समस्त अपडेट वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग भी डेट मैंने आपको बता दी थी, 19 तारीख तक आपका रिजल्ट है वो आने के चांसेस बनते हैं, या जून के तीसरे या चौथे सप्ताह जून एंडिंग के अंदर आपका रिजल्ट आ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर ले।